आदरणीय योगेश जी, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, और हम सबको धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर कुणाल सिंह राहुल जी को सादर वंदामिन, देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध उपासक साथियों को सादर नमन बुद्धाय। जैसा कि योगेश जी अभी जिक्र कर रहे थे आज के विषय के बारे में कि दृढ़ संकल्पित मन ही व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। अगले 15-20 मिनट हम इस विषय पर बात करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ईमानदारी से कुछ चीजें आपके सामने रख सकूं, ताकि हम भी अपने आप को थोड़ा आंदोलित कर सकें उस मुहिम के लिए जो श्रद्धेय बंदे राहुल जी के नेतृत्व में देश भर में चल रही है। आप सब लोग इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने निश्चित रूप से अनगिनत उपकार उनके हम पर हैं, और उनके संघर्षों की वजह से, उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों की वजह से हम सभी के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मोटे मोटे से यदि दो विषयों पर बात करें, व्यक्तिगत रूप से मैं यदि कहूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सबसे बड़े दो गिफ्ट हमें दिए, दो उपहार जो दिए हैं, उनमें पहला संविधान है, वो देश के हर एक नागरिक के लिए है, पूरी दुनिया के हर एक उस नागरिक के लिए है जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपहार बाबा साहब ने हमें दिया वो धम्म का था, और आपने श्रद्धेय बंदे जी की किताब जंगल की आग यदि पढ़ी हो तो श्रद्धेय बंदे जी भी इन दोनों विषयों पर बात करते हैं। संविधान ने हम सबको समानता दी, संविधान ने हम सबको शिक्षा का अधिकार दिया, संविधान ने हम सबको रोजगार का अधिकार दिया, और संविधान ने ही हम सबको राजनीतिक आरक्षण के माध्यम से राजसत्ता की तरफ भी अग्रसर किया। दूसरी तरफ धम्म की यदि हम बात करें तो धम्म स्वाभाविक रूप से हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक टूल था, हम सभी के जीवन को बेहतर बनाने की एक आर्ट थी, एक कला थी। यदि हम उसे ठीक ढंग से स्वीकार कर पाते तब स्वाभाविक रूप से बहुत आमूलचूल बदलाव हम सबके जीवन में आ रहे थे। लेकिन फिर भी जब हम संविधान और धर्म की बात करते हैं तो संविधान ने देश में सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको बहुत ज्यादा बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन धर्म पूरी तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम था। एक तरह से जिस व्यवस्था को हजारों सालों से हम पर थोप दिया गया था उसके विपरीत एक नई व्यवस्था का निर्माण कर लेना, और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म दीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही था कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, हमें वो जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें कुछ सुधार नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं जो समानता की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, लेकिन धम्म की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से, और मैं बहुत बार ये बात कहता भी हूं, इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि हम किसी बहुत ही प्राचीन या जर्जर से मकान में रह रहे हैं। उस मकान की कभी दीवारें गिरती है, कभी छत गिरती है, कभी ईंटें गिरती है, हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य चोटिल होता है, हम हॉस्पिटल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाते रहते हैं, और हमारी उम्र बीत जाती है अपने परिवार के सदस्यों के ट्रीटमेंट करवाने की। दूसरी तरफ एक विकल्प ये था कि हम इस पूरे के पूरे घर को उखाड़ फेंकते या फिर किसी नए प्लॉट में जाकर एक नए सुरक्षित घर का निर्माण करते जिसकी दीवारें मजबूत हो, जिसकी छत मजबूत हो, जहां से ईंटें न गिरती हो, जो बरसात में टपकता नहीं हो। तो धम मूल रूप में ऐसे ही एक नए मकान का निर्माण करना था, एक सुरक्षित मकान का निर्माण करना था, और वो रिपेयरिंग का काम नहीं था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही था। लेकिन खराब बात यह रही कि अब लगभग 7वां दशक चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद से, कि देश में लोग धम्म की दीक्षा तो लेते रहे लेकिन व्यवस्था परिवर्तन उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं बन पाया। अभी कुछ सालों से
जब से श्रद्धेय बंते जी ने धर्मभूमि के माध्यम से देश भर में ये मुहिम आरंभ की कि हमें जो अल्टीमेट गोल है हमारा, हमारा जो लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन का है, अपनी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था स्थापित करने का है, तब से निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल तो निर्मित हुआ। लेकिन तब भी सवाल वो का वही बना हुआ है कि व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में, व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में कौन लोग आएंगे सामने जो अपना सर्वाधिक योगदान दे सकेंगे और इस काम को मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। जब भी हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं ये कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि इस व्यवस्था परिवर्तन का काम करेगा कौन, क्या हम समाज के उन पुरातनपंथी लोगों से उम्मीद करें जिनकी जीवन शैली आज भी एक थोप दी गई व्यवस्था के अनुसार चल रही है? क्या समाज के शिक्षित लोगों से उम्मीद करें, अशिक्षित लोगों से उम्मीद करें? समाज के वकील इस काम में आगे आएंगे, समाज के शिक्षक इस काम में आगे आएंगे, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स आगे आएंगे, या फिर व्यवस्था परिवर्तन के इस काम की जिम्मेदारी सिर्फ भिखुओं और भिखुड़ियों के कंधों पर डाल दी जाए? जब हम इन तमाम समूहों के बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं, तब मुझे श्रद्धेय बंते राहुल जी की एक कोटेशन याद आती है और बहुत ही गंभीरता के साथ श्रद्धेय बंते जी लिखते हैं, कहते हैं कि मुट्ठी भर दृढ़ संकल्पित लोग जिनकी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था हो इतिहास बदल कर रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं इस बात को कि मुट्ठी भर दृढ़ संकल्पित लोग जिनकी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था हो इतिहास बदल कर रख सकते हैं। और ये एक वाक्य इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि यदि हमें सच में व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम पे काम करना है, यदि हमें सच में इस व्यवस्था को बदलना है, अपनी एक पैरेलल नई व्यवस्था का निर्माण करना है, उसकी स्थापना करनी है, तब निश्चित रूप से हमें ऐसे ही दृढ़ संकल्पित लोग चाहिए जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। और ये बात जो श्रद्धेय बंते जी की कोट में कर रहा हूं, इस बात के अनगिनत उदाहरण इतिहास से गिनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी तीन चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण गिनाकर मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं। एक उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। हम सब लोग देखते हैं कि बचपन से बहुत तरह के भेदभावों को झेलते हुए बड़ौदा नरेश की सहायता से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह अवसर मिला कि वो कोलंबिया जा पाए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा पाए। लेकिन जब भारत लौट के आते हैं तब चूंकि बड़ौदा नरेश के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वापिस लौट कर अगले 10 सालों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करूंगा, और उसी अनुबंध पत्र के अनुसार बाबा साहब जब बड़ौदा में पहुंचते हैं सैन्य सचिव के पद पर, तब हम देखते हैं कि कार्यालय में जिस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है, उस पूरे शहर में लोग जब उन्हें मकान देने से मना कर देते हैं और मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब पारसी धर्मशाला के ओनर्स भी लाठियां लेकर आते हैं और ये धमकी देते हैं कि इस धर्मशाला को तुरंत खाली कर दिया जाए, और फिर श्रद्धेय बंते जी की किताब ही वापिस याद आ रही है, हम सब ने पढ़ी है, वो 11 दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ट्रेन लेट थी, और वहां बैठकर अपनी आंखों में आंसू भरे हुए वो नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये संकल्प लेते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य इस बात को बनाते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ये जो अछूतपन की कोड है, अगर मैं इसको खत्म नहीं कर दूंगा, इसको जब तक समाप्त नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, वो नौकरी नहीं करने का संकल्प तक लेते हैं और अपना पूरा का पूरा जीवन अपने इस एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के लिए लगाने की बात करते हैं। और इसी का सुखद परिणाम था कि 23 सितंबर 1917 को लिया गया संकल्प 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ और आधिकारिक रूप से, वैधानिक रूप से ये घोषणा कर दी गई, आर्टिकल 15 हम सब लोग पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। पूरे 33 साल लगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को
अपने उस संकल्प को वैधानिक रूप से पूरा करने में, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पित मन की वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंततः कामयाब होते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने में, अपने उस लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त करने में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जब किसी व्यक्ति का मन दृढ़ संकल्पित होता है, तब चाहे कितनी ही चुनौतियां आए, कितने ही संघर्ष करने पड़े, कितने ही बलिदान देने पड़े, वो चाहे अपने बच्चों के हो, अपने परिवार के हो, अपनी पत्नी के हो, हर एक प्रकार के संघर्ष को झेलते हुए ऐसे महान लोग अंततः कामयाब हो जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। विश्व के इतिहास से यदि हम बात करें, ऐसा ही एक और उदाहरण हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, जहां सदियों से रंग भेद की नीति चल रही थी। व्हाइट लोग निग्रो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे उनकी चमड़ी के रंग की वजह से। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए एक नौजवान सामने आता है, प्रोटेस्ट करता है, सशस्त्र विद्रोह करता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और ये बात भी थी यूं मानिए लगभग 1964 की, जुलाई 1964 की। मैं नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूँ। 1964 से लेकर 1990 तक आप यूं मानिए कि लगभग 25 साल मंडेला जेल में बिताते हैं, और इन 25-26 सालों में अनेक तरह की क्रूर से क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ती है मंडेला को। एक 6x8 की कोठरी में उन्हें ठूंस दिया जाता है, न पढ़ने के लिए अखबार दिया जाता है, न कोई डायरी दी जाती है जिसमें वो कुछ लिख सके। और एक अरसा, एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें एक मजदूर के रूप में काम तक करवाया जाता है उनसे। लगभग 2.5 दशक तक अलग अलग प्रकार की यातनाएं सहने के बाद भी नेल्सन मंडेला का साहस नहीं टूटता, उनकी हिम्मत नहीं टूटती, क्योंकि मंडेला भी दृढ़ संकल्पित थे इस बात के लिए कि जब तक अफ्रीका में इस रंग भेद की नीति का अंत नहीं होगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 1990 में मंडेला जेल से बाहर आते हैं, फिर 1994 में अफ्रीका में चुनाव होते हैं और मंडेला की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं और दुनिया भर के डेलीगेट्स आते हैं उनके उस शपथ ग्रहण समारोह में, जहां से आधिकारिक रूप से घोषणा होती है कि अफ्रीका में अब रंग भेद समाप्त हो रहा है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से अगर मन संकल्पित हो तब ऐसे सुखद परिणाम आते हैं। एक और तीसरा उदाहरण आपसे साझा करूं, एक और बड़ा सेलिब्रिटी नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, म्यांमार की एक नेता रही है आंग सान सू की, और ये महिला भी म्यांमार में जो सैन्य शासन था, बार बार तख्ता पलट करने वाले लोग थे उनके खिलाफ संघर्ष करती है। 1989 से लेकर 2010 तक लगभग 21 सालों तक नजरबंद रहती है, अपने घर में कैद रहती है। इनके जीवन साथी को कैंसर है जो इंग्लैंड में रहते हैं, उनसे मिल नहीं सकती, इनके बच्चे इनके पास नहीं आ सकते मिलने के लिए। इतने लंबे समय तक एकांतवास में घर में ही नजरबंद रहने के बाद अंततः आंग सान सू की भी सफल होती है अपने उस मिशन में, अपने उस मंजिल को प्राप्त करने में, और वहां होने वाले चुनावों में म्यांमार में पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन किया जाता है, वो चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इतने लंबे समय तक अलग अलग प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्रों को, राजनीतिक प्रताड़नाओं को, जेल को झेलने के बाद ये सारे के सारे लोग जिनके मन बहुत हाई स्तर पर, उच्च स्तर पर दृढ़ संकल्पित है, कि अंततः तीनों ही व्यक्तित्वों के दिमाग में अपना लक्ष्य सुस्पष्ट है कि हमें इस विषय पर, इस उद्देश्य के लिए काम करना है, और तीनों आजीवन प्रयास करते रहते हैं। एक चौथा उदाहरण फिर भारतीय राजनीति से दूं, मान्यवर साहब कांशीराम जी को हम देखते हैं, वो जब संकल्प लेते हैं विवाह नहीं करवाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, तब से इस देश ने जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसमें एक नए विकल्प को देखा जिसे हम बहुजन राजनीति कहते हैं। और तब से लेकर आज तक हम सब इस बात के गवाह बन रहे हैं कि माननीय साहब कांशीराम ने
जो मुहिम शुरू की, निश्चित रूप से समय के साथ या बदलते हुए हालातों में वो कुंद ये कम होती भले ही नजर आती हो, लेकिन वो मृत प्राय बिल्कुल नहीं है। ठीक यही उदाहरण इसमें एक नाम और ऐड करूं यदि मैं, तो श्रद्धेय बनते राहुल जी का नाम दिमाग में आता है, और वो इसलिए आ रहा है कि श्रद्धेय बनते जी भी अपने विद्यार्थी जीवन में जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपका भी एक बार मिलना हुआ माननीय साहब कांशीराम जी से, और जब साहब ने पूछा आपसे कि किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो श्रद्धेय बनते जी ने कहा कि मैं जो भी डॉक्टरों का कोर्स था ये कर रहा हूँ, पशुओं के इलाज से संबंधित। और तब माननीय साहब कांशीराम जी कहते हैं कि पशुओं की पढ़ाई ही करोगे, इन दो पैरों वाले मनुष्यों का इलाज कौन करेगा, इनका इलाज कब करोगे। और वहीं पर बैठे हुए श्रद्धेय बनते राहुल जी ने जो वचन दिया माननीय साहब कांशीराम जी को, जो संकल्प लिया मन में कि मैं भले ही पढ़ाई पशुओं की कर रहा हूं, लेकिन इलाज तो मनुष्यों का ही करूंगा, उनके मन का ही करूंगा। और हम देख रहे हैं कि एक जुझारू व्यक्तित्व के उस संकल्प ने हम जैसे अनगिनत लोगों को न केवल धम्म की राह दिखाई है, बल्कि धम्म किस तरह से हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है, इस बात को भी बेहतर ढंग से समझाया है। तो निश्चित रूप से ये 500 के 500 उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं, और भी अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि एक अकेला दृढ़ संकल्पित मन क्या कर सकता है, वो कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, ये 5 उदाहरण मेरे ख्याल से पर्याप्त है। इन 500 नामों को सुनने के बाद एक और सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल भी आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है। सवाल है कि महापुरुषों के आगमन में हमें सदियों इंतजार क्यों करना पड़ता है? हजारों सालों बाद कोई महाकारुणिक बुद्ध जैसे व्यक्तित्व धरती पर आते हैं, फिर सदियां बीत जाती है। जब हम कभी कबीर को देखते हैं, कभी रैदास को देखते हैं, कभी ज्योतिबा फुले को देखते हैं, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखते हैं, माननीय साहब कांशीराम जी को देखते हैं, लेकिन ये जो इतना लंबा अंतराल है, इतना लंबा गैप है, इसका कारण क्या है? और आप बहुत गहराई से सोचेंगे तो समझेंगे इस बात को कि इसके पीछे भी दृढ़ संकल्पित मन का ही हाथ है। क्योंकि हम सब लोग जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अनेक बार बड़े बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, आप देखिए कि 18 मार्च को आगरा में जब धम्म कारवां होता है, 1 लाख के लगभग लोग आते हैं, और सारे के सारे लोग उस कार्यक्रम को सुनकर, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो वहां से संकल्प लेकर लौटते हैं कि हम भी धम्म प्रचार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। लेकिन वापिस लौटकर, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपको याद हो, हर साल 31 दिसंबर की रात को हम अपनी डायरी लेकर बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं कि 1 जनवरी से मैं सुबह 4 बज के उठकर पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं कल से ये आदतें बदल लूंगा, ऐसा ऐसा करना शुरू कर लूंगा। फिर 1 जनवरी आती है, 2 जनवरी आती है, और जनवरी का पहला सप्ताह बीतते बीतते हमारे संकल्प धुंधले पड़ने लगते हैं, और हम वापिस उसी ट्रैक पे लौट जाते हैं जो पहले साल चल रहा था, पिछले साल चल रहा था। ठीक ऐसे ही आप ऐसे दर्जनों लोगों को अपने आस पड़ोस में देखेंगे, कोई शराब पी रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, और बहुत बार ऐसे लोग भी संकल्प लेते हैं कि मैं फला दिन से शराब नहीं पीऊंगा, मैं फला दिन से सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी दिनचर्या ठीक वैसी की वैसी ही फिर बन जाती है। तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं उसी उलझन की स्थिति में नजर आते हैं, हमारा मन भी उसी तरह से डावाडोल नजर आता है। हम आखिर दृढ़ संकल्पित क्यों नहीं हो पाते हैं अपने महापुरुषों की तरह, और उस स्तर पर नहीं तो कम से कम उसका 5%, 10%, 20% कुछ हिस्सा तो दृढ़ संकल्पित हो जाए। और नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे अभी योगेश जी कह रहे थे, आप देखेंगे कुछ लोग जो धम्म प्रचार के लिए घर से निकलते हैं, मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं, मैं 3-4 लोगों को जानता हूं जो आज से 10-12 साल पहले घर से निकले कि हम घर वापस लौट के नहीं आएंगे, आजीवन मिशन के लिए काम करेंगे।
कोई 1 महीने में वापिस लौट आया, कोई 3 महीने में वापिस लौट आया, कोई 1 साल में वापिस लौट आया। तो वो संकल्प जो हमारे महापुरुषों ने लिया, हम उनकी तरह से उस ट्रेक का अनुसरण क्यों नहीं कर पाते हैं? लोक लाज का डर, लोग क्या कहेंगे। बहुत बार हम जब धर्म की बातें करते हैं, परंपराओं को त्यागने की बात करते हैं, महिलाओं के साथ आभूषण त्यागने की बात करते हैं या घूंघट न करने की बात करते हैं, तब भी इस तरह की छोटी छोटी शंकाएं सुनने को मिलती है। सास क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और ये सारे के सारे डर हमारे मन को संकल्पित होने से रोकते हैं। तो जरूरत जिस चीज की है, यदि हम सच में इतने बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, उद्देश्य तो है व्यवस्था परिवर्तन का, कि हम अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं, और वो व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोच रहे थे, वो व्यवस्था जो हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध के जमाने में अस्तित्व में थी, क्या हम उस व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं और ठीक ढंग से लागू कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो है दृढ़ संकल्पित मन। तो जितने लोग, और ये संकल्प भी हम आष्टांगिक मार्ग में पढ़ते हैं, एक शब्द आता है सम्यक संकल्प, तो वो सम्यक संकल्प लेने की जरूरत है। हम अगर पार्ट टाइम की तरह अपनी सुविधाओं के हिसाब से जितना समय मिला हमें, इस रविवार तो मुझे रिश्तेदारी में जाना है, अगले रविवार मुझे बच्चों के साथ घूमने जाना है, अगले रविवार मुझे किसी दोस्त की शादी में जाना है, और फिर यदि टाइम मिला तो धर्म प्रचार का काम करेंगे, फिर यदि काम मिला तो हम किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। इस मानसिकता के साथ यदि हम काम कर रहे हैं, और मैं बहुत बड़ी विडंबना बता रहा हूं आपको, कि हम सब लोग जय भीम बोलने वाले साथी, सारे के सारे मिशन की बात करने वाले लोग, 99% ऐसे हैं जो 1 मिनट में देश के प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं, लेकिन काम वार्ड पंच की लेवल का भी नहीं करना चाहते हैं। तो यदि मौखिक रूप से हम वैचारिक विमर्श करते हुए ये उम्मीदें पाल रहे हैं कि हम इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो फिर ये मुंगेरी लाल के असीम सपनों जैसा ही है। तो न केवल मन हमारा संकल्पित हो जाए, बल्कि उस दिशा में सम्यक प्रयास भी यदि हम शुरू कर देंगे, तब निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन का काम थोड़ा आसान हो सकेगा। तो आज की गूगल मीट में जुड़े हुए साथियों से इस निवेदन के साथ कि आप भी इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं कि हमें इस देश में अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए न केवल प्रयास करने हैं, बल्कि आजीवन प्रयास करने हैं और अपनी अंतिम सांसों तक प्रयास करने हैं, और यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जो जो साथी इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही सक्रिय होकर इसमें योगदान देना चाहते हैं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमें ग्रह त्याग करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस किसी भी फील्ड में, जिस किसी भी जगह पर, जिस किसी भी हालात में आप हैं, अगर अपने गांव की जिम्मेदारी लेकर, अपने शहर की जिम्मेदारी लेकर, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेकर, उतने क्षेत्र में भी हम काम कर पाए, तब भी किसी एक स्थान को तो हम बदलने में कामयाब होंगे, किसी एक स्थान पर तो हम अपनी व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे, और जब देश भर में इस तरह से हम एक एक गांव को बदलना शुरू करेंगे, अपने मोहल्लों को बदलना शुरू करेंगे, तो ऐसे लोगों की संख्या हजारों में होगी और बहुत जल्दी हम इस व्यवस्था को साकार होते देख सकेंगे। लेकिन फिर बात वो कि बिना बहाना बनाए, बिना ये उम्मीद पाले कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग तालियां बजाएंगे, मैं जब मंच पे जाऊंगा तो मुझे माला पहनाई जाएगी, इन तमाम तरह के प्रलोभनों से दूर निकलकर यदि आप दृढ़ संकल्पित होते हैं कि अपमान मिले कि सम्मान मिले, लोग कम आए कि ज्यादा आए, कोई सहयोग करे कि न करे, हम काम करते रहेंगे। और मैं अपनी बात खत्म करूं एक अंतिम उदाहरण के साथ। सहदेव बंते राहुल जी के साथ बातचीत करते हुए, चूंकि ऐसा बहुत बार होता है, बहुत से साथी जो धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किसी और फील्ड में मिशन का काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे काम कर रहे हैं, बहुत बार उनसे बात करते हुए वो कहते हैं बहुत ही निराश मन से कि हम जितने प्रयास करते हैं
जितने लोगों से मिलते हैं, सामने लोगों का जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको देखकर बड़ी निराशा होती है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि कई बार तो मन करता है कि इन सबको छोड़ छाड़ के और घर बैठ जाएं आराम से, इस सामाजिक काम से कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ कि श्रद्धेय बंते जी को मैंने देखा है, और उनकी एक बात जो सबसे अच्छी प्रतीत होती है, सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मुझे लगती है, बंते जी बार बार इस बात को कहते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में कदम रखा था, बहुत से लोग साथ थे, और तब से लेकर आज तक की यात्रा में बहुत से लोगों ने साथ छोड़ा है, बल्कि बहुत से लोग तो विरोधी की भूमिका में भी आ गए हैं, और तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी हौसले के साथ काम किए जा रहे हैं। और बंते जी ने कहा है कि यदि आज जितने लोग साथ खड़े हैं ये नहीं रहे, तब भी मैं काम करता रहूंगा, मैं अपनी भूमिका से कतराऊंगा नहीं, मैं अपनी भूमिका का निर्वहन आजीवन करता रहूंगा। तो ये संकल्प जब आपके मन में आ जाता है, हालांकि कोई साथ नहीं छोड़ रहा है, देश भर से लोग साथ खड़े हैं, तब भी आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना उच्च स्तर का संकल्प और समर्पण होगा श्रद्धेय बंते जी के मन में, देश को बोधमय बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, बोध समाज का निर्माण करने के लिए, और अंततः हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो हम सबको भी उस स्तर का नहीं, तो जिस किसी भी लेवल का हो, लेकिन कम से कम ये संकल्प अपने मन में जीवित कर लेना चाहिए, ये संकल्प अपने मन में धारण कर लेना चाहिए कि हम भी आजीवन इस व्यवस्था निर्माण की मुहिम में, इस व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए काम करते रहेंगे, और अपने जीवन की आखिरी सांसों तक। और तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं, हमारे महापुरुषों के उदाहरण सामने हैं, जिन्होंने बिना किसी परवाह के उम्र भर काम किया है, हम सबके कल्याण के लिए काम किया है। आज हमारे सामने परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, संसाधन बहुत अनुकूल हैं, हर तरह की सुविधाओं के साथ, हर तरह की सुलभताओं के साथ, यदि अब भी हम कतरा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से हमसे बड़ा बहानेबाज कोई नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की गूगल मीट में जुड़े हुए साथी जो भी इस बात को सुन रहे हैं, जो भी बाद में सुनेंगे, वो तमाम साथी व्यवस्था परिवर्तन, खुद की व्यवस्था के निर्माण को अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाएंगे और आजीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय।